हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया से दुबई जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एयरपोर्ट पे क्या फॉलो करना है, वो सब चीज़ आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कोविड के टाइम जिस पेंडेमिक चल रहा है और धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल हो रही है, तो दुबई ने भी अपना सब बाउंड्रीज पूरा ओपन कर दिया, पूरा रिस्ट्रिक्शन सब ओपन कर दिया है और हम इंडियंस वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट एनी क्वारंटाइन। सबसे पहले मैं अभी टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा हूँ, तो मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स हो जो जो प्रिपरेशन किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको चाहिए दुबई जाने के लिए अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसका वैलिडिटी 6 महीने से कम होगा तो वीज़ा नहीं मिल सकता है या तो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप खास ध्यान रखिए कि आपको आपका जो दुबई का वीज़ा है लेना है तो आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो आप एक्सप्रेस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, वो नॉर्मली 24 से 36 आवर्स में आ जाता है। उसका कॉस्टिंग अपने को कुछ 10 से 12 हज़ार पड़ेगा और बाकी नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई करेंगे 30 डेज़ का तो वो 7 हज़ार समथिंग में आ जाता है। वो 3-4 दिन लगता है उसको आने में। बाकी अभी के टाइम पे फ़्लाइट थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ एक्सपो चल रहा है वहाँ पे, तो फ़्लाइट टिकट और होटल अकोमोडेशन काफ़ी दिल्ली में महंगा दुबई में महंगा हो गया है। तो वो आपको आपको अगर सस्ता होटल चाहिए या तो बजट में अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो आप डेरा में या तो बद दुबई में आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे क्या क्या हमको चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास अगर वीज़ा आ जाता है तो पासपोर्ट वीज़ा और हमको आपका होटल का रिजर्वेशन एक दिखाना पड़ेगा। देन आपको 48 आवर्स बिफोर, मतलब जैसे आपका फ़्लाइट डिपार्चर से 48 आवर्स बिफोर तक का ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट वैलिड रहेगा। वो आप खास ध्यान रखें कि आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिपार्चर से पहले का, तो एक आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। एक दूसरा, रैपिड टेस्ट करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर ही। जस्ट आप अगर मेट्रो में जाएंगे तो मेट्रो के स्टेशन पे ही करते हैं, जहाँ एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है वहीं पे हो रहा है अभी रैपिड पीसीआर टेस्ट। उसका कॉस्टिंग हमको करीब 3,900 रुपये लेता है, तो वहाँ पे वो रैपिड हो जाएगा। उसका वैलिडिटी 6 आवर्स का है, तो फ़्लाइट जैसे निकलने वाला है उससे 6 आवर्स पहले, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा 6 आवर से ज़्यादा तो दैट विल बी नॉट वैलिड, सो अगेन यू नीड टू गो फॉर द अगेन रैपिड टेस्ट। सो नॉर्मली इंटरनेशनल फ़्लाइट में हमको 3 घंटे पहले जाना पड़ता है, बट अभी के टाइम पे लिटरली मैं कल गया था वहाँ पे, जो भीड़ था आरटीपीसीआर रैपिड टेस्ट करवाने के लिए, वहाँ पे करीब 1,000 लोग से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। हमको 6 घंटे से 7 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आपको भी जाना है तो आप ये चीज़ खास ध्यान में रखें क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे रैपिड टेस्ट करवाने में बहुत टाइम लगने वाला है आपको। तो जैसे ही आप वहाँ पे मिनिमम 1 घंटा तो आपको लाइन में खड़ा ही रहना पड़ेगा रैपिड का सैंपल देने के लिए। मेरा तो इवनिंग का फ्लाइट था तो इसके लिए मैं लंच आवर्स में गया था और अराउंड 3 बजे के करीब, 3 से 4 बजे मेरा 9:30 का फ़्लाइट था, तो 3 से 4 बजे मैं गया था। तब बहुत भीड़ था वो टाइम पे, बहुत सारा फ़्लाइट है दुबई और शारजहाँ के लिए तो बहुत भीड़ रहता है वहाँ पे। उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके थोड़ा जल्दी जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। और बाकी जैसे ही आप रैपिड का सैंपल दे देते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्टली गेट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। गेट के अंदर एंट्री करने के बाद 8 नंबर गेट के पास में उसका रैपिड टेस्ट का रिपोर्ट देने के लिए काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पे भी लाइन में खड़ा रहना है, वहाँ पे भी बहुत रश रहता है। और 1 घंटे के बाद में आपका रिपोर्ट वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। चार डॉक्यूमेंट हो गया, पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो गया, आपका रैपिड का रिपोर्ट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया। इतना इतना डॉक्यूमेंट नॉर्मली वो लोग मांगते हैं वहाँ पे वीज़ा में, जैसे हम लोग अगर फ्लाई कर रहे हैं दुबई में, तो दुबई या तो शारजहाँ में या तो अबू धाबी में कहीं भी ट्राई कर अप्लाई कर रहे हैं। तो कल मेरा कुछ रीज़न इसी वजह से मैं कल जा नहीं पाया, मेरा फ़्लाइट मिस हो गया, तो मैं अभी जा रहा हूँ। अभी मैं आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके दिखाऊंगा कि रैपिड टेस्ट करवाने के लिए कितना भीड़ है वहाँ पे कितना टाइम लगता है, कितना भीड़ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 6 से 7 घंटे पहले एयरपोर्ट चले जाइए
तो आपका टाइम पे सब काम हो जाएगा, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका फ्लाइट मिस हो जाए। और आपका जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट रहेगा उसमें खास क्यूआर कोड होना चाहिए, कि विदाउट क्यूआर कोड वाला बहुत सारा कल पैसेंजर था, 10 से 11 पैसेंजर था मेरे साथ में थे जो लोग, उन लोगों का फ्लाइट मिस हो गया, उन लोगों को अंदर एंट्री ही नहीं किया, बोर्डिंग पास ही नहीं दिया। क्यों? चेक इन ही नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों का रिपोर्ट के अंदर बार कोड नहीं था, कोड नहीं था। सो क्यूआर कोड होना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे, ठीक है। और बाकी जो जो जैसे अभी कोविड के टाइम पे क्या क्या हमको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, नॉर्मली अभी तो हमको कोई भी फ्लाइट में जाते हैं तो हमको मास्क तो एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही पहनना है, कंपलसरी है। अगर आपका सेंटर का सीट रहेगा तो आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा, वो पहनना है, ठीक है। कोविड का ड्रेस दिया जाएगा, वो पहनना है, सील लगाना है, वो सब चीज़ है। अभी जैसे ही मैं अभी एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, और एयरपोर्ट से यहाँ से दिल्ली से दुबई तक का क्या एक्सपीरियंस होता है मेरा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय।